नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री टीवी और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और सभी क्षेत्र के सांसद अपने अपने कार्यकाल में जुट गए हैं और आज हमारे साथ हैं बीजेपी से काली चरण सिंह जी। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप झारखंड के चतरा लोकसभा सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की है आपने। जी, ये तो चतरा लोकसभा की जनता के प्रति सादर आभार है। जो देश की आजादी के बाद पहली बार कोई क्षेत्र का रहने वाले व्यक्ति चुनाव किसी राष्ट्रीय पार्टी से लड़ा है, उस वहां का मिट्टी में जन्मा हूँ, बड़ा हूँ, राजनीतिक यात्राएं 38 वर्ष से किया हूँ। सभी लोगों ने मुझे स्नेह आशीर्वाद दिया, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा, बहुत स्नेह मिला, अच्छे मतों से मुझे चुनाव जिताया। इसलिए मैं हजार बार मैं प्रणाम करूंगा वहां के मतदाताओं को, चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझ जैसे कार्यकर्ता, साधारण से कार्यकर्ता को लोकसभा चुन करके भेजा। आप अपने जीवन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति कार्यकर्ता रहा हूं तो मैं एमएससी बीएड करने के बाद मैं बीएचयू का विद्यार्थी रहा, सरकारी नौकरी किया। 1986 को मैं सर्विस रिजाइन करके राजनीतिक कार्यकर्ता बना, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। पहली बार मैं प्रखंड का अध्यक्ष बना भाजपा का। यात्रा होता रहा, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय मंत्री बना, राष्ट्रीय महामंत्री बना, युवा मोर्चा का प्रभारी रहा मैं। कई पदों पर मैं कार्य किया। बीच के कालखंडों में अपने थोड़े दूसरी जगह यात्रा थी, आदरणीय बाबूलाल जी के साथ में झारखंड विकास मोर्चा में चला गया था। फिर अपने आदरणीय बाबूलाल जी भी लौटे, मैं भी लौटा। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, वहां की जनता ने मुझे चुना। 38 वर्ष से राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लगभग रहा और संगठन में पूरे देश स्तर का भी मैं कार्यकर्ता, अखिल भारतीय अधिकारी भी मैं रहा हूँ, किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। तो देश को भी मैं देखा हूँ, पूरे देश को देखा हूँ, राज्य को तो मैं देखा हूँ, वहां का पदाधिकारी रहा हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, किसानों के बीच में काम किया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं जब प्रदेश का किसान मोर्चे का अध्यक्ष था, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ताल कटोरा स्टेडियम में दो दो बार झारखंड के किसानों को मैं 3,000 किसानों को मैं झारखंड से लाया, प्रधानमंत्री का सत्कार किया, प्रधानमंत्री ने मुझे समय दिया, मेरी समस्या को सुना और वहां के किसानों के साथ बैठा दो बार बार अपने कार्यकाल में। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि थी। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में लोग ज्यादातर वही आते हैं जिनका पारिवारिक जो होता है पिछला, वो राजनीति से जुड़ा होता है, लेकिन अगर बात आपकी की जाए तो आपके में कोई राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में? देखिए, मैं एक स्वयं शिक्षक था, पिताजी भी मेरे शिक्षक थे, मैं किसान परिवार से आता हूँ, न मैं कोई उद्योगपति परिवार से हूँ, न मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से, एक कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है, भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है, उसका एक कल्चर है कि चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुझ जैसे व्यक्ति एक कार्यकर्ता बन सकता है, झारखंड का मुख्यमंत्री एक मजदूर बन सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी बन सकता है। ये पार्टी का दूसरे पार्टियों से यही भिन्न है, यहाँ वंश परंपरा नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, कार्यकर्ता की पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता जो काम करेगा उसको पार्टी अपनी नजरों में रखती है और मेरे जैसे कार्यकर्ता को लोकसभा भेजी है पार्टी ने। ये भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव है, संस्कार है, कल्चर है, काम करने की पद्धति है, व्यवहार है। अगर बात आपके क्षेत्र की जाए तो उसकी क्या विशेषता है और क्या चुनौती है? देखिए, हमारे लोकसभा क्षेत्र देश का मुझे लगता है कि दूसरा बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एक जगह से दूसरे जगह जब हम जाते हैं तो 366 किलोमीटर लंबा है, विविधता से भरा हुआ था, विरल आबादी है। हमारे लोकसभा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। अभी आदरणीय रघुवर जी के शासन व्यवस्था में ये सब थोड़े हटे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा किसान की आबादी सबसे ज्यादा है, खेतों में पानी नहीं। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अपने जिसकी आबादी 90% है, किसान कृषि आधारित लोग जो है रहते हैं, उनके खेतों को पानी मिले। इसके लिए हमारे कई बड़े बड़े डैम और नहर वगैरह बने, लेकिन पूर्णता नहीं बने हैं, कोई 20 वर्ष से अधूरा है, कोई 30 वर्ष से अधूरा है, कोई 40 वर्ष है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि उन नहरों को, उन डैमों को सशक्तिकरण करके उन किसानों के खेतों में पानी जाए, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और ये एक बेरोजगारी का एक समस्या का थोड़े समाधान की ओर बढ़े। दूसरा चीज है कि हमारे यहाँ पीने का शुद्ध पानी नहीं है, मैं उस ओर भी काम करना चाहूंगा। सबसे बड़ा हमारे लोकसभा क्षेत्र का देश की आजादी के बाद मांगा रेल,
हमारे यहाँ रेल का सबसे बड़ा मांग है, कुछ करो ना करो रेल की जरूर व्यवस्था बनाओ, रेल की पटरी लाओ, रेल चलाओ, चतरा को जोड़ो देश के नेटवर्क से। इन क्षेत्रों में मैं काम करने का प्रयास करूंगा। आपके बारे में अगर पढ़ा जाए तो आप सांसद बनने से पहले भी कृषि के बारे में काफी कुछ कर चुके हैं और सम्मानित भी हो चुके हैं उनके क्षेत्र में कार्य करने, तो अब आप इसमें क्या अंतर देखते हैं कि अब आप सांसद बन चुके हैं तो किस तरह से कार्य करेंगे? समस्या तो मैं किसानों का जानता हूँ, उनकी समस्याओं के लिए मैं जूझा हूँ, आंदोलन किया हूँ, तो मुझे मेरे ध्यान में है कि किसानों की समस्या क्या है, उनके समाधान के रास्ते। पार्लियामेंटेरियन होने के कारण मंत्री से मांग करके, अपने लोगों से कह के, केंद्रीय नेताओं से कह के मैं ले दूंगा ताकि वो हमारे क्षेत्र में किसानों की समस्या का समाधान हो। आपके 5 साल के क्या क्या योजनाएं हैं? अभी वर्तमान तो 3 है, खेतों का पानी हो, रेल की नेटवर्किंग हो। ये चाहूंगा हमारे लोकसभा क्षेत्र में चंदवा है, लातेहार जिला है, जहाँ NH नेशनल हाईवे है, क्रॉसिंग रोड है, आज तक फ्लाई ओवर नहीं बना है। हमारे यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं मनिका विधानसभा क्षेत्र में, जो गांव इस पार है, पटरी उस पार, लोग बरवाड़ी जंक्शन से आते हैं, कई लोगों को जानमाल की क्षति होती है, खेती इस पार है, घर उस पार है, कितने जानवर कट जाते हैं, व्यक्ति कट जाते हैं, उसमें अंडर पास की व्यवस्था बनाना, ये सब हमारे मूलभूत 5 वर्षों के कार्य है, जो जिसको मैं संपादित करने का पूर्णतः शक्ति का उपयोग करूंगा, ताकत दिखाऊंगा। आप स्थानीय भी जुड़े हुए हैं लोगों से, तो क्या बताना चाहेंगे किस तरह से जोड़ते हैं लोगों को? आप एक लोकसभा सीट पे आप चुनाव जीत चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, और आम जनता है, उसको किस तरह से जोड़ेंगे आप? स्वाभाविक है, मैं उस मिट्टी में जन्मा हूँ, बड़ा हूँ, पला हूँ, 40 वर्षों की राजनीतिक यात्रा है, तो मैं सबको जानता हूँ, रिश्तों में, जब मैं उनका उनके घर का बेटा हूँ तो घर का बेटा परिवार के सदस्य को जोड़ने की कहाँ कोई संकट होता है। घर का बेटा है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई चाचा है, कोई भाई है, और जिस तरह हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं हमारे परिवारजनों 140 करोड़ को, उसी तरह मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के 18 लाख जो मतदाता है, पूरे मतदाता है, या पूरे लोकसभा क्षेत्र की पूरी आबादी को मैं अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता देता हूँ। जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया, कोई जाति धर्म का बिना विभेद किए हुए, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उसी रूप में उनके साथ रहता हूँ, काम करता हूँ, मुझ पर उनका भरोसा है, मैं अपेक्षा पर खरा उतरूँ। आप पहले शिक्षक थे जैसा कि आपने बताया, और अब राजनीति में हैं, तो इसमें क्या अंतर, आप अपना अनुभव किस तरह से साझा करेंगे? मैं शिक्षक रहा हूं, विद्यार्थियों के ऐसे 40 वर्ष वाले विद्यार्थियों को वो बहुत कम स्कूल हुआ करता था, विद्यार्थी घरों से कम निकलते थे पढ़ने के लिए। हम लोग हाई स्कूल में शिक्षक रह करके बच्चों के घरों में जाते थे पढ़ने के लिए, चलो आज वो परिस्थिति नहीं है। भारत सरकार की ऐसी परिस्थितियां है या राज्य सरकार का भी है, जो गांव-गांव में लगभग स्कूल है, बच्चे निकलते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का सही उनको ये संपादन हो, ये मैं प्रयास करूंगा। और मैं आपको बताऊं कि सब स्थानीय व्यवस्था राज्य सरकार का होता है। वर्तमान में 4.5 साल से राज्य सरकार ने इतना परेशानियों का आडम्बर खड़ा कर दिया, इतनी समस्या पैदा कर दिया है कि मुझे लगता है कि जिस तरह भी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 52 विधानसभा क्षेत्रों में पूरे झारखंड में जीते हैं, मुझे जो लगता है कि झारखंड की जनता मन बना चुकी है इसको उखाड़ फेंकने का, सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, और मुझे लगता है कि आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 4 महीने 3 महीने के बाद जब मेरी सरकार बनेगी तो शिक्षकों का सही नियुक्ति हो, विद्यालय जाए, बच्चे का रिजल्ट ठीक हो, अभिभावक प्रसन्न रहे, ये मैं चिंता करूंगा। अगर बात शिक्षक की करते हैं तो विद्यार्थी की भी कर लेते हैं कि आप विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे राजनीति को लेकर? देखिए, विद्यार्थियों को तो नहीं कहूंगा, जो मैं काम किया हूं अब आप करो, क्योंकि इसमें बहुत शिद्दत है, लेकिन आप इतना मन लगाकर पढ़ो, आपकी सारी चिंताएं जो आपकी समस्या होगी मैं दूर करने का प्रयास करूँ, ताकि मेरे लोकसभा क्षेत्र का नाम हो। आप साइंटिस्ट बनो, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप शिक्षक बनो, आप सैनिक बनो, आप अच्छे अच्छे पदों पर जाओ, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आओ, पुलिस सेवा में आओ, ताकि ये हम गर्व से कह सकें कि उस लोकसभा क्षेत्र के मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ के इतने बच्चे इतने अच्छे अच्छे उत्कृष्ट स्थान पाए हैं, और मैं उनके जहाँ भी समस्या आएगा मैं समाधान के लिए खड़ा रहूँगा। और जो राजनीति से डरती है युवा कि नहीं राजनीति मुझसे बेहतर, तो आप जानते होंगे क्योंकि आप पहले से जुड़े हुए राजनीति से, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, राजनीति से तो आना तो चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, अनपढ़ों की जमात से तो किसी देश का और किसी राज्य का भला नहीं हो सकता है। अगले अगले 10 वर्षों 20 वर्षों में क्या देश के लिए, क्या राज्य के लिए, क्या क्षेत्र के कर सकते, इतने विचार हुए अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते। शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षित वर्ग अगर
राजनीति में आए, जब कोई इंजीनियर आए, डॉक्टर आए, बीए आए, एमए आए, ग्रेजुएट सब लोग आए, तो मुझे लगता है सही दिशा में देश जाएगा, राज्य जाएगा, लोकसभा जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, समर्पण भावना होना चाहिए कि मैं लोकसभा या विधानसभा केवल चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं राजनीति करने आया हूँ, समाज की सेवा करने का राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए, तो मुझे लगा बहुत अच्छा लगेगा। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा और उनसे कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार आप झारखंड में बनाने में, जो अगले 3 महीने में चुनाव होने वाला है, आप सहयोग करें, आप आशीर्वाद दें, ताकि डबल इंजन की जब सरकार रहेगी तो आपकी एक भी समस्या नहीं रहेगी, समस्या का सारा समाधान होगा। जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, लोग तृप्त है, वहां समस्या कम से कम है, और समस्या है भी तो समाधान के लिए सरकार तत्पर है। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? और मैं दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के स्वभाव, प्रकृति, नीतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी में तब मैं आया था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे, तब मैं आया था, जबकि पूरा देश के उस समय कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता, लेकिन मैं 86 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूँ। इसका अर्थ है कि दीनदयाल जी अपने और आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियों को, उनको आदर्श मानते हुए, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। और बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको किस तरह से मानते हैं? मेरी भारतीय जनता पार्टी देश, ये तो राष्ट्र सेवा है, ये पार्टी का विचार ही राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब कोई पॉइंट नहीं है, जीता जागता कोई पॉइंट ये है कि पूरे देश की हितों की चिंता करने की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसकी चिंता करता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए कृत संकल्प है, उनके एक एक कार्यकर्ता, उनके एक एक राजनेता जीते हैं राष्ट्र के लिए और कार्य करते हैं राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होना, लोगों के प्रति हितों की रक्षा करना स्वाभाविक प्रकृति है भारतीय जनता पार्टी का, संस्कार है, हमारा नियम है, कल्चर है, सिद्धांत है। तो ये थे हमारे साथ कालीचरण जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनका कार्यकाल रहा और अब ये लोकसभा चुनाव जीत कर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं।